हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर 25 सीरीज़ का पार्ट 6। इसके पहले हम लोगों ने कुल 5 पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें पांचों पार्ट में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस है उसके सभी ऑप्शंस को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं आज के सीरीज़ को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ बात हो रही है विश्व जनसंख्या दिवस की, ठीक। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगर कोई भी डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए उसको घोषित कौन करता है, यूनाइटेड नेशन, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अब बात आती है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 1987 में इसी दिन 11 जुलाई के दिन पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब क्रॉस कर चुकी थी। इस वजह से हम लोग 1980 घोषणा तो 1987 में ही हो गई थी, लेकिन 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता। अब आते हम लोग आज के ट्रेंड में, कि आज के ट्रेंड में सिर्फ आपसे दिवस नहीं पूछता, उसकी थीम भी पूछी जाती है। तो इस बार 11 जुलाई 2018 की थीम क्या थी, परिवार नियोजन मानवाधिकार है, फैमिली प्लानिंग इज द ह्यूमन राइट। ये है विश्व जनसंख्या दिवस की थीम। जनसंख्या के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है भारत, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा आप ये भी देख लेते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पड़ते हैं, तो क्रम से देख लेते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका मनाता अपना आजादी दिवस। अमेरिका कब आजाद हुआ था, 4 तारीख को। उसके बाद मलाला यूसुफजई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया था कि 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन है उनका जन्मदिन। 18 तारीख को नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इनका दिवस मनाया जाता है। और इस बार नेल्सन मंडेला के जो थीम था, इसका थीम था एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। फिर हमारा 26 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, जल्दी से बताइए, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ठीक। और 28 तारीख को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस राज्य से है, मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा इन 4 संगीत के वाद्य यंत्र दिए हैं, और पूछ रहा है इनमें से क्या बजाते हैं, वह बजाते हैं संतूर वादक है। इनका जन्म हुआ था जम्मू और कश्मीर में, ठीक। तो जितने भी वाद्य और वादक यंत्र होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र आपको बता, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा तबला। तबला बजाया जाता है जाकिर हुसैन के द्वारा। इसके सबसे अच्छे वादक कौन है, जाकिर हुसैन, सबीर खान, किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन और साबिर खान, ये सब हैं तबला वादक, ठीक। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सहनाई की, तो सहनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खान। सहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्ला खान। बांसुरी की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया, कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, ठीक है। और सितार का हमने देख ही लिया है कि कौन है, पंडित रविशंकर शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जितने भी रोग हैं और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप लोग हमारी बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, आनुवांशिक, सभी रोगों के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे निमोनिया की। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और इस बार निमोनिया दिवस के दिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है कि 2030 तक भारत में 17 लाख बच्चों की मौत हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ निमोनिया की वजह से। इसके अलावा नवंबर में देखिए एक दो डेट और इंपॉर्टेंट है, जस्ट 2 दिन बाद पड़ता है विश्व मधुमेह दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे। इसके अलावा 2 दिन बाद है 16 तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, नवंबर में मनाया गया है। नवंबर के करंट अफेयर में अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव रक्त में, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी मात्रा में होती है, ठीक है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितना होता है, 55 to 60%।
ब्लड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सभी आपको पढ़ाए गए हैं। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि और भी कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अगर हम लोग बात करें 55 से 60% तो प्लाज्मा होता है ब्लड में, इसके अलावा 40 से 45% क्या होती है, कणिकाएँ होती हैं, क्या होते हैं, सेल्स। अब सेल्स देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कौन विकसित करता है, तो डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर में है तो वह रोगों से लड़ता है, इसे हमारे शरीर का सिपाही, सैनिक या जो भी कह लीजिए कहते हैं, क्योंकि यह हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, चोट लगने पर जो रुधिर का थक्का बनता है वह किससे बनता है, प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है, इसलिए इसे नर्स कहा जाता है, ठीक है। और बात कर रहे हैं अगर हम लोग रुधिर का थक्का बनाने में किस विटामिन का प्रयोग होता है, तो विटामिन के का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक सीमा वाला देश है हमारा चीन, कौन सा है, सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, ठीक है। कुल कितनी देशों की सीमाएं लगती हैं चीन से, तो 14 देशों की सीमाएं लगती हैं चीन से, कुल 14 देशों की। इसके साथ साथ हम यह भी देख लेते हैं कि भारत की सीमा कुल कितने देशों से लगती है, तो भारत की सीमा कुल 7 देशों से लगती है, भारत 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन कौन से देश हैं, तो पढ़ते हैं एकदम, ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीमा बनाता है म्यांमार के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इधर बनता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे है चाइना और पाकिस्तान के साथ, ठीक, और यहीं पे है भूटान, भूटान और नेपाल, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा, याद करिए बचपन में एमबीए का एक बहुत पॉपुलर ट्रिक है, जो सीमा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय उसको याद करने की, ठीक है। अब भारत और अफगानिस्तान की सीमा को कौन डिसाइड करता है, तो डूरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ है, ठीक है, क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन की बात करें तो मैकमोहन, ये 3 तो आपको ऐसे ही याद है, ठीक। इसके अलावा भूटान और नेपाल, मैंने आपको बताया था कि भूटान और नेपाल कैसी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, मतलब कहीं भी यहाँ पे जल का अगल बगल जैसे समुद्रिक सीमा नहीं है। भारत और नेपाल कैसी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके अलावा याद कर लीजिए म्यांमार और बांग्लादेश, यही 2 बसता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। अब ये है हमारा भारत, यहाँ पे देखिए उत्तरी बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु हमारा 2 है, एक है हमारा कन्याकुमारी, और आपको पता है कि अगर आप मैप में देखें, अगर ये भारत है पूरा, तो यहाँ पे आपको पता है समुद्र में हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर भी भारत का ही अधिकार है। तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक। तो चूंकि इसमें कन्याकुमारी नहीं दिया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती या गुहार मोता क्या है हमारा, पश्चिमी बिंदु, जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु की अगर हम लोग बात करें, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, कीबीथू। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, कीबीथू। उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि पानी पर जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने दिया था ईज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। पास्कल ने दाब से संबंधित सिद्धांत दिया था। न्यूटन का सिद्धांत सबको पता है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था, जिसमें गति के 3 नियमों के बारे में न्यूटन ने बताया था। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल इसमें कब से कब तक था, तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मुगल वंश के, ठीक। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था, किसने किया था, बाबर ने किया था। कब किया था, 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक, और उसको हरा करके अधिकार किया था, ठीक है।
इसके बाद बाबर लड़ता है 1527 में कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक। 1528 में लड़ता है चंदेरी का युद्ध, और 1529 में कौन सा युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये है बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्ध। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था, 1526 से लेकर के 30 तक। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक है, 1526 से 30 तक। इसके बाद बाबर का पुत्र रहता है हुमायूं। हुमायूं 2 बार कार्यकाल में आता है। एक बार तो हुमायूं 1530 से 40 10 साल के लिए शासन में रहता है, लेकिन शेर शाह सूरी से उसकी लड़ाई होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो शेर शाह सूरी से लड़ाई होने के बाद हुमायूं भाग जाता है, और फिर शेर शाह सूरी का शासन रहता है 1540 से लेकर के 54 तक। हुमायूं पुनः आता है 1555 में और 56 तक रहता है, ठीक। फिर आता है अकबर का शासनकाल, जो कि कब से कब तक रहता है, 1556 से लेकर के 1605 तक। कब से कब तक है, 1605 तक। फिर जहांगीर रहता है 1605 से लेकर के 27 तक। फिर 1627 से 1658 रहता है कौन, शाहजहां। तो यही है हमारे लिए, हमारा जो क्वेश्चन है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है, भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1627 से 1658। और इसके बाद 1658 से 1707 तक किसका रहता है, औरंगजेब का, ठीक है। तो ये था पूरा मुगल वंश। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। अगर हम लोग बात करें अकबर के मकबरे की, तो इसका मकबरा है सिकंदराबाद में। जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का कहाँ पे है, औरंगाबाद में, ठीक है। तो सबके जितने भी मकबरे हैं सब अलग अलग जगह पे है। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ बात हो रही है स्वतंत्र, तो गवर्नर जनरल का पहले एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। यह प्रथा चालू हुई थी 1757 में, और 1772 तक क्या थे, बंगाल के गवर्नर। इसके बाद गवर्नर के पद को चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल। मतलब अब बंगाल के गवर्नर नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। तो 1773 से लेकर के 1828 तक गवर्नर जनरल होते थे, ठीक। फिर आ जाता है वायसराय का पद, जो कि 1828 में शुरू होता है और 1948 तक रहता है। तो मैं आपको फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। भारत आजाद होता है 1947 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उसके बाद बनते हैं गवर्नर जनरल, ठीक। उस समय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। आजादी के बाद भी यही रहते हैं, लेकिन अगर बात कर रहा है प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो शुरू करते हैं हम लोग, बंगाल के गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, उसको क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के पद में ले आया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल। फिर प्रथम गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया जाता है, और कौन सा पद आता है, वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अगला हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है, इसमें हमारा सही आंसर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदू साहित्य का जो इतिहास है उसको कई कालों में बांटा गया है। पहला काल कौन सा हमारा, आदिकाल है, ठीक है। कुल 4 हैं, आदिकाल है, फिर पूर्व मध्यकाल। आदिकाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। उसके बाद आता है हमारा पूर्व मध्यकाल, जो कि 1350 से चलता है 1650 तक। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल के, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1650 से 1850। और हम लोग जो आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल 1850 से अब तक है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इनकी रचना थी प्रेम मालिका। इनकी रचनाओं में आपको प्रेम ज्यादा मिलेगा, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी,
प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, भारत वीरत, तो ये सब क्या थी, इनकी रचनाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, इन्हें हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता। इसके अलावा इन्हें और कौन सी उपाधि दी गई, हिंदी नवजागरण काल के अग्रदूत की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो हमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा सही आंसर क्या है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और अगर सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, कब हुई थी, 1954 में। ठीक, और इसके बाद कौन सा है, नंबर वन पे तो ये हो गया भारत रत्न, नंबर दो पे हो गया पद्म विभूषण, नंबर तीन पे हो गया है पद्म भूषण जो कि इसमें नहीं दिया है, और नंबर चार पे क्या है, पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण के बाद क्या है, पद्मश्री। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसने भारत के 93वें, देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा 43वें। ठीक है, तो किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, लिया था, जस्टिस T.S. ठाकुर ने। ठीक है, 2016 में इनका कार्यकाल था, जस्टिस T.S. ठाकुर। इस समय कौन है, इस समय देखिए भारत में 46वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल चल रहा है जिनका नाम है रंजन गोगोई। इन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को अपना कार्य पदभार संभाला है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के, तो एलिजा इम्पे थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो H.J. कानिया। याद कर लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया, जबकि अगर हम लोग बात करें कि पूरे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। इस समय कौन है, रंजन गोगोई। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने पर किसे त्यागपत्र दिया जाता है। तो राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राष्ट्रपति दिया गया है हमारा आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति से जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह यह बनता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 64 में। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इम्पीचमेंट, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, महाभियोग के नाम से। तो किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, आर्टिकल 61। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा अध्यादेश। ठीक, अध्यादेश किस में है, तो 1, 2, 3 राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, आर्टिकल 1, 2, 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह पूछता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। और इस समय जो हमारे CM है वह 21वें नंबर पे हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया है, पंचायती राज मंत्री थे हमारे श्री कैलाश यादव जो कि 2016 में एक्सपायर हो गए। और इसके बाद जो इस समय है हमारे पंचायती राज मंत्री वो है भूपेंद्र चौधरी। कौन है, भूपेंद्र चौधरी, नाम याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री। अब पंचायती राज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। बात आती है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस अनुसूची में ग्राम पंचायत का बात किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची। अच्छा, ये पंचायती राज शुरू का गांधी जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मतलब शासन जो है छोटे लोगों के हाथ में हो, तो इसलिए बलवंत राय मेहता एक समिति बनी थी 1957 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और 1959 में भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है,
किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और संवैधानिक होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है? तो इसको याद रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू।